हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है एवरीवन कि जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन की सर्किट्स को रिपेयर करते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जो सर्किट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को फाउंड करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ होता है ना, जो सबसे बेसिक सा चीज़ है कि कोई भी कंपोनेंट्स की जो लगी हुई जो स्थिति है वो पैरेलल में है या सीरीज में है। ये चीज़ सबसे पहला जानना हमें ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स पैरेलल में लगी हुई है और अगर वो शॉर्ट होगा तो हमारा पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, और अगर कोई कंपोनेंट्स सीरीज में लगी हुई है, अगर वो कंपोनेंट्स ख़राब होता है तो हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा लाइन की सप्लाई ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें पैरेलल सीरीज का समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एक ईजी छोटा सा एक सर्किट्स बना करके आज भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पैरेलल की अवस्था में होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सीरीज की अवस्था में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक हमने एक बैटरी बनाया और उस बैटरी से अगर हम किसी भी चीज़ को चलाते हैं, सपोज़ दैट इस बैटरी से मोबाइल चल रही है या कोई LED चल रही है या फिर कोई छोटा सा डिवाइस चल रहा है, तो वो किस तरीके से चल रहा है, तो उस बैटरी का जो माइनस सिरा है, जो माइनस है, ये हमारा माइनस का सिरा है। माइनस हमेशा क्या होता है कि ग्राउंड ही होता है। ग्राउंड हमारा सिर्फ एक ही होता है, ऐसा नहीं कि हमारे फ़ोन में अलग अलग ग्राउंड होते हैं। ये निगेटिव पूरी मदरबोर्ड में हमारा एक ही होता है। तो एक निगेटिव हो जाता है, एक हमारा हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस सप्लाई। ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से निकल करके हम क्या किए, इसको एक ऑन ऑफ स्विच पे डाल दिए। ऑन ऑफ स्विच के बाद डालने के बाद एक हमारा R1 हो गया, एक R2 हो गया, यानी कि एक पहला रेजिस्टेंस एक दूसरा रेजिस्टेंस से होता हुआ ये LED में जाएगा और LED हमारा ग्लो करेगा, जलेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर हमारा ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो क्या हमारा LED जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि इसके ख़राब होने का मतलब है कि कैपेसिटर जब भी ख़राब होगा तो शॉर्ट करेगा, और जब कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा, और इसके जुड़ने से क्या होगा कि हमारा ये सर्किट में शॉर्टिंग आ जाएगा और हमारा इधर जो डिवाइस है वो काम करना बंद कर देगा। तो समझने का बात ये है कि पैरेलल कंपोनेंट्स हम उसको कहते हैं जिस कंपोनेंट्स का, कोई भी कंपोनेंट्स अगर पैरेलल में होगी तो उसका एक सिरा नेगेटिव में होगी और दूसरा सिरा पॉजिटिव में होगी। चाहे वो VBAT की लाइन है, VPH की लाइन है, VREG की लाइन है, VREG की लाइन है, VDD है, VCC है, एवरीथिंग, कोई भी सप्लाई लाइन हो, उस सप्लाई लाइन में कोई भी कंपोनेंट जिसका एक सिरा नेगेटिव में हो और दूसरा सिरा पॉजिटिव में हो, वो कंपोनेंट्स आपका पैरेलल होगा, वो कंपोनेंट्स आपका पैरेलल होगा। अब इस पैरेलल कंपोनेंट्स को ढूंढना कितना आसान हो गया कि मल्टीमीटर को हम बजर मोड में रखेंगे, बीप मोड में, और कहीं भी निगेटिव में एक प्रॉब को रख देंगे और किसी भी कंपोनेंट्स के दोनों तरफ सटाएंगे। अगर किसी भी एक साइड बीप आता है तो वो निगेटिव होगा और दूसरे साइड वैल्यू आनी चाहिए, और अगर वैल्यू आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कंपोनेंट्स हमारा पैरेलल में है और कौन कंपोनेंट्स हमारा सीरीज में है। अब हम बात करते हैं ये रेजिस्टेंस की या फिर इस स्विच की। तो जो पॉजिटिव सप्लाई है वो रेजिस्टेंस के एक सिरे पे मिलेगा। क्या होता है कि रेजिस्टेंस के एक सिरा पे हमारा पॉजिटिव आएगा, और रेजिस्टेंस अगर ओके होगी तो दूसरा सिरा पे भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब ये ओके होगी तो तीसरे पे भी पॉजिटिव आएगा और दूसरे साइड भी हमें मिलेगा, और अगर रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो एक साइड तो वोल्टेज मिलेगी बट दूसरे साइड वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा सर्किट्स ऑन नहीं होगा। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ कि ये दो टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखो, ये टर्मिनल को इस टर्मिनल से ये जोड़ने का काम करता है, कौन, हमारा रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा ख़राब होगा तो एक साइड की सप्लाई दूसरे साइड नहीं पहुंच पाएगी और हमारा सर्किट्स ऑन नहीं होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट्स को अगर हम चेक करें मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर को आप बजर मोड में रखेंगे, एक प्रॉब पॉजिटिव को आप ग्राउंड पे रख दीजिए, निगेटिव प्रॉब को रेजिस्टेंस के एक साइड सटाइए, वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी साइड सटाएंगे उधर भी वैल्यू आनी चाहिए। अगर किसी भी तरफ से वैल्यू नहीं आता है तो हमारा रेजिस्टेंस एक साइड वैल्यू है, दूसरे साइड नहीं है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेक हो चुका है, कट चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं सभी इन सभी चीज़ों को एक लाइन में कह देता हूँ, चाहे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर, अगर पैरेलल में होगी कोई भी कंपोनेंट्स, उसका एक सिरा नेगेटिव में होगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव में होगा, और अगर सीरीज में होगी तो वो कंपोनेंट्स या तो दोनों साइड नेगेटिव में होगा या दोनों साइड पॉजिटिव में होगा, वो हमारा सीरीज में होगा, ठीक है एवरीवन। तो पैरेलल सीरीज
किसी भी सेक्शंस में आपको देखने को मिल सकते हैं एवरीथिंग, चाहे वो नेटवर्क की सेक्शन हो, चार्जिंग, माइक, स्पीकर, हर जगह इस टाइप के कंपोनेंट्स आपको लगे देखने को मिलेंगे। तो आई होप एवरीवन पैरेलल सीरीज आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू।